क्लासेस में पिछड़े ग्रामीण छात्र कोरोना काल के चलते जहां समूचे देश के लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है, वहीं इसका सबसे ज्यादा प्रभाव स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर हुआ है। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो सभी स्थानों पर पिछले 5-6 महीनों से ऑनलाइन क्लास के जरिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों के हजारों बच्चे आज बिना पढ़ाई के अपने घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूलों में ऑनलाइन क्लास ना के बराबर है और ना ही ग्रामीण बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन ही मौजूद है। अगर हम जनपद मुरादाबाद की बात करें तो इसका खासा असर मुंडा पांडे ब्लॉक से जुड़े गाँव में सामने आया है। आज जब हमारी टीम इन एक दर्जन से अधिक गांव वालों का जायजा लिया तो स्थिति और बदतर मिली। बच्चों के अभिभावकों से बात करने पर पता चला कि उनके बच्चे कोरोना के शुरुआती दिनों से ही अपने घरों में हैं। उनके सामने मजबूरी है कि वो लोग उन्हें एंड्रॉइड फोन खरीद कर नहीं दे सकते, क्योंकि जब से कोरोना बीमारी फैली है उनकी आमदनी भी आधी से कम हो गई है, जिसमें वो सिर्फ अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकते। इस सत्यता को परखने के लिए जब हमें प्राथमिक विद्यालय के एक टीचर से इस विषय में बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा प्रयास तो रहता है कि सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में शामिल हों, लेकिन बहुत कम संख्या में ही बच्चे पढ़ पा रहे हैं और इसका सीधा सा कारण सबके पास एंड्रॉइड फोन ना होना है। मेरा नाम है स्मार्ट वर्मा जी। कहाँ पर तैनात हैं आप? मैं कंपोजिट विद्यालय खरखाता में तैनात हूँ। सर, जैसे ये अब पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है अब, सर इसमें कैसे पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को? इसमें हम मोबाइल मंगाए हैं बच्चों से, हमने कुछ तो लाए हैं कुछ ना लाए हैं, ज़्यादातर कम बच्चे लेके आए हैं। अच्छा, तो प्रयास तो हम यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मोबाइल लाने, उन्हें हम ऑनलाइन शिक्षा दें। अच्छा, जैसे मोबाइल नहीं है बच्चों को और उनके भाई पे बहन पे मोबाइल है, कि वो अपने बच्चों को यूज़ करने के लिए देते हैं नहीं देते आप? प्रेरित तो हम करते हैं लेकिन वो दे नहीं पाते, बच्चे बताते हैं हमें हमारे भाई बहन या माँ बाप मोबाइल नहीं देते। नहीं देते, ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट को ऑनलाइन पढ़ाई करानी है तो हमारे बच्चों को मोबाइल मुहैया कराएँ। अच्छा, उसके बाद में कामयाब हो पाएगा। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके यहाँ टोटल यहाँ पर स्कूल में? टोटल मेरे स्कूल में इस समय लगा के 310 के आसपास है। कितने परसेंट बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं आपके जरिए? करीब 27% पुराने वाले बच्चे। पुराने बच्चे तो पहली क्लास में एडमिशन हो रहे हैं, नए को भी प्रेरित कर रहे हैं हम, नए बच्चों को जो इस पर एडमिशन होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं आप? मणिपुर के। अच्छा, ये बच्चे जो जैसे पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या जानते हो आप? इसके बारे में ये जानते हैं कि हम तो खेत किसानी करते हैं, मेरा तो मजदूरी करते हैं, अब हमारे पास पैसा कौड़ी नहीं कुछ नहीं, हम तो वही अनाज बेच के किताबें ला के देते हैं। अब मोबाइल चलाना हम जानते नहीं, अब मोबाइल भी ले तो कहाँ से लें, तो पैसा पास थोड़ी जो हमारे जो हम ऑनलाइन पर मतलब बच्चों को पढ़ा दें। सरकार तो ऑनलाइन पर पढ़ा रही है, ऑनलाइन पर हम कैसे पढ़ा लेंगे, वो हमारे पास पैसा नहीं कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं। मोबाइल चलाना जानते हो आप? बच्चे आपके जैसे 5वीं में पढ़ रहे हैं, आप क्या पोजीशन में? मतलब तो पोजीशन हमारे बच्चे घर पर ही बैठे हैं, वो पोजीशन क्या, जब ऑनलाइन जब जानती ना तो हम मोबाइल ही ना हमारे बच्चों में। अच्छा, जैसे अब स्कूल बंद है, आपका बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है, तो आप घर पर पढ़ाई कर रहे हो? हम घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, वो वैसे खाली पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ऑनलाइन के लिए आप मोबाइल चलाना जानते हो, ऑनलाइन जानते हो क्या चीज़ होती है? हाँ, ऑनलाइन जानते तो हैं, जब जा रहे तो जब हमारे पास कुछ हो गए तो अब मतलब आगे बढ़ने हैं बच्चे, अब पीछे हट रहे हैं बच्चे? पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, जो पढ़ा वो भूल गए और जो पढ़ा हुए वो भी शर्म हो गया। अब तो ऐसे ही हो गए शादी में जा, तो अब क्या, अब क्या चाहते हो आप सरकार? अब तो हम घास खोद रहे हैं, घास खोद बच्चे ला रहे हैं। अच्छा, अब जैसे ये बंद पड़ा है, अब इसमें क्या करना चाहोगे आप? ये करना चाह रहे हैं अभी खुल जा रहा है, वहाँ बच्चे पढ़ाने की तमन्ना है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है।